गुरु रूप सत्संग जीओ भागा वाले हो इस महान समागम के अंदर हाजरियां पलवा रहे हो देशा विदेशों में बैठे ये गुरु की कृपा रहमत धन धन श्री गुरु हर राय साहब महाराज सतवें पातशाह जिन्हों का प्रकाश पुरब आप सारिया संगत मना रहे हो ते गुरु साध संगत जीओ हौने हौने आप जी ने दसिया साढ़े सत्कार योग श्री सतनाम सिंह जी अशीवीर जी ने कि असी उस जेड़े कि 16 दिसंबर को महान शहीदी प्राप्त करके गए परम सत्कार योग अमर शहीद संत बाबा राम सिंह जी नानकसर सिंगड़े वाले महापुरश जेडे कि पिछले साल इसी स्थान पर आके बह के तुहाडी सारिया संगतां नूं इत्थे तुहाडियां संगतां दे दर्शन तुहानूं दर्शन दे के गुरु दे दर्शन करके इस स्थान पर एक बचन उन्होंने बड़ा वड्डा कहा सी कि इस स्थान पर हुण क्योंकि उस दिन हल्कियां हल्कियां कणियां आ रही सन ते बाबा जी ने वचन किया कि इत्थे हुण शैड भाव पाया जाए या लेंटर कोई इंतजाम होवे ते गुरु की संगत अज जदों अदास अंदर आया तो वचन याद आ गया महापुरशां दा आओ गुरु प्यारे उस समय विच रह के हाजरियां महापुरशां वल्लों की वचन बाबा जी ने आप कमेटी नूं वचन किया से असीं आवांगे कोई प्रोग्राम अगे नहीं हो रहे हैं क्योंकि सारियां संगतां बाबा जी नाल प्यार करदियां सन देशां विदेशों में सारिया संगतां दे फोन आ रहे हैं कि समागम बाबा जी की याद च रखने ने पर कोई भी समागम हले नहीं हो रहे पर इस समागम लई महापुरशां ने आप कहा सी संगतां नूं आप कमेटी नूं कहा सी ते उहदे सदका दास उन्हां दा बाबा जी दा जथा आ पहुंचिया है आओ सारे जुड़ो बाबा जी की गाई हुई जिवें बाबा जी कीर्तन शुरू करते सन उवें कीर्तन शुरू होएगा सारे पढ़ियो गुरमंत्रड़ा चिता गुरमंत्रड़ा चिता जाण्यो जिहड़ा अज ये पढ़ेगा अगे की होना है नानक दुख नाई अगे पंक्ति आनी है इस करके सारे पढ़ो दुख नहीं नेड़े आऊंगा की जपोगे गुरमंत्रड़ा कीता गुरमंत्रड़ा कीता
दुख ना ही भई नानक दुख ना ही भई नानक दुख ना ही भई मंत्र डाता गुरु मंत्र गुरु सारे जप गुरु प्यारे कोई रसना बंदी ना रवे सारे हाथे दवाओ जिन्हें बैठे हो स्कूल विच जाईदा है जब तक हाजरी ना लवे हाजरी ना लगे ते मंजूरी नहीं आए हो हाजरियां सारे लवा वाहेगुरु 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 सिमर सिमर सुख पावो कल कले सिमरो जास पे संपर्क नाम जपत अगंत अनेक वेद पुराण सिमरत सुध अखर कीने राम नाम एक अखर किनका एक जिस जीव सावे ताकी महमा गुरु वाहे 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 गुरु श्री हरि राय सिमरो श्री हरि राय सिमरो श्री हर 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 राय वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह वाहे गुरु पढ़ लो फिर शब्द फिर अखीर विच असी बाबा जी की गाई हुई कविता गानी है जी। हर जगह बाबा जी नूं मंग जिथे बाबा जी कीर्तन करदे सी संगतां मंग करदियां सन बाबा जी पासों ही सिखी हुई वो कविता असी गावांगे। हाजरी बाबा जी की भी अज इत्थे सच जाणियो बाबा जी भी अज इत्थे मौजूद ने क्योंकि उन्होंने वचन किया सी संगतां दे नाल असी आवांगे। सारे बैठे ने मेरे वीर ये सब जानते ने फोन ते गल होई ते बाबा जी ने कहा सी असी आवांगे बस इश्तहारां विच नाम ना दिओ फोटो ना लायो। उन्होंने मैनू कहा सी फोटो लानी है बाबा जी दे इश्तहार च नाम मना कर दिता सी महापुरशां ने। महापुरशां दी शहीदी दी वार्ता भी वह भी दर्शाई जाएगी। आओ आप हुण शब्द शुरू करिए एक बारी सारे पढ़ लो। सिमरो श्री हर राय सिमरो श्री हर राय जपो सिमरो। वाह वाह कोई रसना मन जिन्ना नु आओ शब्द दी वाह वाह। सिमरो श्री हर राय सिमरो कौन दर करे कौन दर करे
मानस ते देव ते पए आया नाम हरे जी दे ग्रह विखे बाल ने जन्म लिता, पहले बाल ने जन्म लिता, खबर पहुंची धन गुरु हर गोबिंद साहब महाराज पास कि तुहाडे घर पोतरा होया है। वो कि धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के सपुत्र सन बाबा गुरदित्ता जी, उन्होंने अगे सपुत्र माता निहाल कौर की कुखों किरतपुर की धरती ते इस बाल ने जन्म लिता है। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आए, आके जदों बच्चे नू चकिया हल्का जा मुस्कुराउण लगे, मुस्कुराए ते नाल जड़े सेवक सन पुछण लगे, सतगुरु जी आप जी दी इस मुस्कुराहट विच कुछ राज लगदा है, कुछ गल लगदी है। ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज बोले, की कहण लगे, कहंदे फिर आ गया, कहने फिर आ गया है। कौन? कहने पृथ्वी आ फिर आ गया है। ते महाराज दा नाम, इदा नाम हुण असी धीरमल रखांगे, इनू धीरज आ जावे, हुण भी इनू धीरज आ जावे, इदा नाम धीरमल रखांगे। ते पहले सपुत्र दा नाम भाई धीरमल जी सन, वड्डे भ्राता धन गुरु हर राय साहिब महाराज दे। हुण जदों धन गुरु हर राय साहिब महाराज ने अवतार धारिया किरतपुर की धरती ते ही, फिर
फिर खबर पहुंची धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पास की कि दूजा सुपुत्र भी आया है तुहाडे घर पोतरा आया है ते धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज फिर आए जदों उस लाल नूं अपनी गोदी विच चुकिया ते उहदा मुत्था चुम्मिया मत्था चुम्मिया ते नाल ओही सिख सन नाल ते पुछण लगे पातशाह आप जी ने मत्था बड़े प्यार नाल चुम्मे है की गल की राज है दे विच ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज कहण लगे एहो हरी ए परमेश्वर ओ आप ही आ गया है धन गुरु हर राय साहब कहिंदे इहदा नाम होएगा हर राय धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने दादा गुरु जी ने नाम रखिया हर राय साहब ते गुरु प्यारे हो अज उन्हां दा प्रकाश पुरब तुसीं मना रहे हो आओ जिथे क्योंकि गुरु हर राय साहब महाराज ने इन्ना सत्कार सिखाया धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज का हले गुरता गद्दी नहीं पोथी साहब किया जाता सी एक दिन पोथी साहब लैके कोई सिंह गुजर रहे सन सिख गुजर रहे सन उतों ते महाराज बैठे अपने पलगां ते संगत बैठी हुई है ते एकदम उठे बड़ी जल्दी दे विट उठे ए आया ना गुर के शब्द तरे ए मैं तां तुहानू सुणाउण लगा हाँ इन्ना सत्कार उन्हां नू गोडे ते सट लग गई ते सिखां ने पुछिया सतगुरु तुसीं तां आप मालक हो क्यों जल्दी कीती कहिंदे ए वड्डा मालक है ए वड्डा मालक है धन गुरु ए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हले बनने सन पर ए बाणी जिहड़ी है ए वड्डा मालक होमे मार मिलाईयन अपने शब्द तरे गुर के शब्द तरे गुर सेवा हर पई है गुर सेवा ते हर पई है सेवा ते हर पई है गुर सेवा ते हर पई है जाको नजर करे No.
पर अपनी कृपा करे, हर अपनी कृपा करे। नानक सहज समाया, हर अपनी कृपा करे, अपनी कृपा करे। गुर सेवा कर पाइए, गुर सेवा ते हर पाइए, हर पाइए, गुर सेवा ते हर पाइए। जाको नजर करे, जाको नजर करे, जाको नजर करे, जाको गुर सेवा ते हर पाई है। जिहड़ी सेवा करके कमाउंदे ने फिर गुरु दी ऐसी नज़र हो जाती है, सारा कुछ मिल जाता है। आओ बाबा जी की गाई हुई कविता गा के और बाबा जी बारे कुछ बचन जिहड़े उन्होंने अंत समय किए सन तुहानू दस के फिर समाप्ति करांगे। हुण जिहड़ी कविता गाण जा रहे हैं, संगतां नू बेनती है सारी संगत गायो मिल के, ये तुहानू सारियां नू ए जिवें हुण पिछले धन मेरे कलगीधर पातशाह जी दे जिवें सारा परिवार विछोड़ा होया, सारा कुछ छोटे साहबजादे वड्डे साहबजादे उन्हां दी यादां दे विच एक कविता गावांगे सारे। सिक्खी दियां लम्मियां कहानियां, सिक्खी दियां लम्मियां कहानियां, सिक्खी दियां लम्मियां कहानियां।
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ ਸਾਰੇ ਪੜਿਓ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੋ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ ਸੋ ਮਨ ਲੈਣ ਸੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਆਓ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੁਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਕਿਆਮਤਾਂ ਦੇ ਹਾੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬੇਦਰ ਦੋ ਜੋਤਨਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬੇਦਰ ਦੋ ਜੋਤਨਾ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੇਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ
तेरा लख लख शुक्रिया काल दा, करा लख लख शुक्रिया काल दा, मेरे बागा विच अजे भी बहार है, मेरे बागा विच अजे भी बहार है, साडे लहू विच चलण मधाड़िया सिखी दिया लम्बिया कहानिया, सिखी दिया लम्बिया कहानिया, सिखी दिया लम्बिया कहानिया, सिखी दिया लम्बिया कहानिया, सरसान नींदे कुनी पाणिया देवाणिया, साडा रसता वे दर्द रोकना, साडा रसता वे दर्द रोकना, इंदियां लम्मियां कहानियां सिखी जाके जूझना, मेरे लाडले अजीत दे जूझने, मेरे लाडले अजीत दे जूझने, छोटा बैरिया तो सैया नहीं हो जानिया, सिखी दिया लम्बिया कहानिया, साडा रसता वे दर्द रोकना, साडा रसता वे दर्द रोकना, सिखी दिया लम्बिया कहानिया, सिखी दिया लम्बिया कहानिया, सिखी दिया लम्बिया thank you.
किसी कवि ने बड़िया सोहनिया लाइना। महापुरुष जिथे जाते सन दीवान दे विच, परम पूज बाबा जी संत बाबा राम सिंह जी नानक सर सिंगड़े वाले महापुरुष, ओ अमर शहीद महापुरुष, जिथे किथे कोई दीवान होना, चाहे अवतार पुरब होना, चाहे कोई भी समागम होना, संगता ने मांग करनी बाबा जी या तो घोड़ी पढ़ो, एक सी अजीत एक सी जो जा, या तो कविता पढ़ो या फिर ए जड़िया संगता मंग कर दिया सन, या ए वाली कविता सिखी दिया लंबिया कहानियां। ते गुरु प्यारियो अज उसी पंदे राही होके महापुरश भी उस सिख मोर्चे दे लई शहीदी दे गई। 16 दिसंबर दा ओ दिन महापुरशा ने कहा गड्डी विच कहन लगे जो तुरे आ, कहंदे ने समा बड़ा भयानक आ रहा, क्योंकि दास उन्होंने मना करता सी बाबा जी राती होके आए आप हुण रहन दईए ना जाइए। कहंदे मनजीत सिंह समा बड़ा भयानक आ रहा है, एक मेरे मन का संकल्प है कि उस स्टेज ते जाके जिथे ये सारा मोर्चा लग्या होया है, एक जपजी साहब का पाठ ते पांच चौपाई साहब दे पाठ करके आने हैं पांच सिंघां ने। बाबा जी कहण लगे समा जिहड़ा सानू दिस रहा है बड़ा भयानक है, पता नहीं कल नू की बन जाना है। जिहड़े किसान उत्थे बैठे हुए ने, बुजुर्ग माता बैठियां होईयां ने, बच्चे बैठे हुए ने, 70-70 80-80 90-90 साल दे बुजुर्ग बैठे हुए ने, की बनेगा उत्थे? अगर उत्थे भगदड़ मच जाए, कोई भी कुछ भी हो जाए, बड़ा भारी नुकसान होने वाला, बड़ा भारी नुकसान होने वाला। ते महापुरश कहण लगे जाना जरूरी, सच जाण्यो गुरु की हजूरी विच कह रहे हैं जड़े बचन ने। अगर कुछ टूट होवे या अपने मनो बोला देणदार हो, गुरु की हजूरी विच टूट नहीं चलता। तैयारियां होईयां, पहुंच गए उत्थे, महापुरश कहण लगे जाओ, एक जपजी साहब का पाठ, पंच चौपाई साहब के पाठ स्टेज पर जाके करने है, ते अरदास करनी है कि सुनो गुरु प्यारियों की कहते सन। कहते अरदास करो कि हे कलगिया वाले, हे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, ये तेरे बच्चे बैठे ने, ये कुछ नहीं जानते कल नू की भाणा वापर जाना है, कृपा कर इन्हां दी रखिया कर, कोई भारी नुकसान ना होवे। एक किसान किसे दे कोल 1 किला जमीन है, किसी कोलो 5 किले, किसी कोलो 10 किले जमीन है, किसी कोल 100 किले, सारे आके इत्थे बैठे हुए ने, कलगियां वाले पातशाह कृपा कर इन्हां ते, इन्हों की रख्या आप आके कर। ये दास नूं के अरदास करन लई कि पाठ तो बाद ये अरदास करनी है। पाठ किया उत्थे, जपजी साहब का पाठ किया, पंच चौपाई साहब के पाठ किए पंजां सिंघां ने, बाद च दास ने अरदास की। स्टेज ते नहीं चढ़न देंदे सन, मैं स्टेज के कोल बह के ही पाठ किया, स्टेज ते हाथ रख के अरदास की कि हे सतगुरु
जो महापुरुषों ने किया कलगिया वाले पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दसों पातशाहिया हुण आप आओ आप अपने इस बच्चे नूं आप इन्हां बच्चियां नूं बचाओ आप इन्हां दी आगे रखिया करो ये अरदास कीती आया ते पाणा वापर चुकिया सी गुरु प्यारे हो सच जाने हो पता नहीं की पाणा वापरना पर महापुरश बड़ी खेड वो शहीद हो गए सारा कुछ जड़ा कुछ उत्थे वरतना सी उस टाइम की गल कर रहे हैं वो सब कुछ लै गए अगे भी महाराज कृपा करे कुछ पाणा ना उत्थे किसान अंदोलन जड़ा चलता पिया सरकारां भी आ मन जान ते किसान अपने घर वापस आन खुशी खुशी क्योंकि गुरु प्यारियो ये जड़े कानून ने सरकारां वास्ते कोई वड्डी गल नहीं है पर गुरु कृपा करे रहमत करे उत्थे बैठे ने जड़े किसान सतगुरु उन्हां नूं सारिआं नूं चढ़दीआं कला बख्शन क्योंकि वह महान शहीद ने उत्थे कौन डोलिया है गुरु कृपा करेगा सरकारां मनणगीआं ते गुरु प्यारियो एक बाबा जी की याद दे विच लंगर लाया होया है जड़ियां संगतां पंजाब तो जांदियां ने ये लंगर करनाल तो नीलोखेड़ी दे विचकार तरावड़ी दे कोल लंगर लाया होया है उत्थे गुरद्वारा है पंज प्यारे साहब दे नाम ते गुरद्वारा है संगतां ही सेवा कर रहियां ने उत्थे लंगर बंड रहे है उत्थे पाणी दी सेवा और बेअंत प्रकार दीआं सेवावां उत्थे चल रहियां ने उस सेवावां दे विच भी संगतां ने हिस्सा पाणा है क्योंकि लंगर काफ़ी घट गया सी पर गुरु ने कृपा की गुरद्वारा साहब दे विच बाबा जी दी याद दे विच लंगर चल रहा है अमर शहीद संत बाबा राम सिंह जी दी याद दे विच उत्थे पंज प्यारे साहिबान दे नाम ते गुरद्वारा उत्थे लंगर चल रहे है गुरु प्यारियो ओ महान शहीद शहीदी प्राप्त कर गए ते गुरु प्यारियो गुरु कृपा क्योंकि महापुरशां ने कुछ दिन पहला ही इत्थे फोन ते गल होई सी अर्शी जी होनी और मनजीत सिंह जी और वीर जी सारी कमेटी प्रबंधक कमेटी बड़ा ही प्यार बाबा जी नूं करदे सी और बाबा जी ने वचन किया सी इत्थे बड़ा सोहना हाल बनेगा ते अज वेखो साध वचन अटलादा बड़ा सोहना हाल बने है ते अर्शी जी ने एक बेनती की सी मैनूं बहुत खुशी होई है क्योंकि पिंडा वालियां नूं आस पास वालियां नूं ए लोड़ सी ते बस पर एक गल दा ध्यान रखना है कोई मास ना वरत्या जावे शराब ना वरती जावे नाच गाने ना होण क्योंकि गुरु घर है मर्यादा रखनी बहुत जरूरी है बाकी गुरु प्यारी साध संगत जीओ धन गुरु हर राय साहिब महाराज का प्रकाश पुरब मना रहे हो नानक सर सिंघड़ा वालों सारे महापुरशां वालों पंज महापुरश जिहड़े बाबा जी दे नाल आए सन संत अमरजीत सिंह जी बाबा भोला जी संत सरबजीत सिंह जी बाबा सरसा जी संत अजमेर सिंह जी संत गुरमेज सिंह जी बाबा गेजा सिंह जी संत परमजीत सिंह जी और दास दे नाल भी बैठे ने एक संत मलकीर सिंह जी ये सारे सिंह नानक सर कलेरा तो नानक सर सिंगड़े आके नाने सेवा संभाली दास के बाद विच आए ने उन्हां महापुरशां ने फिर ड्यूटी लाई हुण जिहड़ी सेवा निभा रहे ने संत तरलोचन सिंह जी क्योंकि दास भी उन्हां दे नाल सेवा विच हुंदा सी महापुरशां दी ते सारे महापुरशां वल्लों गुरद्वारे वल्लों नानक सर सिंगड़ा वल्लों सेवा लाई गई दास आके हाजरियां भर रहा है इत्थे ते दास इत्थे दी संगत नूं बेनती करदा है वह मोर्चा होने भी चल रहा तुहानू सारिआं नूं पता है ते बाबा जी का बचन मैं दोबारा दोहराण लगा बाबा जी ने कहा सी ये जिथे किथे भी कोई सुन रहा इंटरनैट राही कि एक जपजी साहब का पाठ ते पंच चौपाई साहब के पाठ करने ने अपने नितनेम तो अलावा ते अरदास करनी है कलगिया वालिया हे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा कर तेरे बच्चे उत्थे बैठे ने निके निके बुजुर्ग बुजुर्ग माइया बैठिया ने भैणा बैठिया ने
कृपा कर दे, तेरे लिए कोई बड़ी गल नहीं, कृपा कर दे। ये सरकारां दे हिरदे विच जाके आप बह जाओ सतगुरु, सरकारां मन सरकारां भी चंगियां ने, मन जाणगियां गुरु कृपा करे। ओ कि गुरु प्यारे हो सतगुरु, ओ कि शहीद दा खून डुला है उत्थे, एक संत दा, वैसे तो बहुत शहीद उत्थे होए ने, पर गुरु प्यारे हो क्योंकि दास ने आप शहीदी देखी, आप शहीदी देखी। तो मैं इतने के सिंगा ने कहा कि जरूर दसना है, तो मैं मन में लैके भी आया कि बाबा जी का बचन जरूर दसना है। गुरु प्यारे हो सारी प्रबंधक कमेटी का और सारे वीर जिन्हें जिन्ह ने सानू बुलाया, तो और जोड़ा कि ये जत्था जिन्होंने संपट पाठ किया है, वह जत्था भी नानक सर सिंगड़े तो आया सी, उन्होंने भी हाजरियां लवाईया ने, सवेरे जत्था चला गया वापस। तो गुरु की संगत जी हुण दो लाइना रह गई ने कविता की पढ़ के, तो जो कविता की समाप्ति होनी है पंज जकारे छड़े जाने, तो लास्ट जकारा जिहड़ा छड़ना है वह सारी संगत ने मिल के छड़ना है। तो गुरु कृपा करे, धन गुरु हर राय साहिब महाराज तुहानू सारियां संगतां नू जिथे जिथे कोई बैठा है सबनों चढ़दियाँ कला बख्शन, मूर्त मोर्चा भी फतेह होवे। सतगुरु कृपा करो, की होगा हिसाब मेरे बंद का, की होगा हिसाब मेरे बंद का, आई जांदा सुपनिच बच्चियां ते आके मेरे बच्चियां नु सुपनिच आके न्योता दे गया जला सरहंद दा, न्योता दे गया जला सरहंद दा, कल टूट दो पूरी आवाज आवे साडे नालों वध आवाज आवे संगत सिखी दिया एक बारी भैणा बोलन एक बारी वीर फिर समाप्ति है पर एक बारी गुलजा पै जाना सिखी दिया लम्मिया सच जाण्यो बाबा जी तुहाडे विच बैठे ने सच जाण टिक्की दियां लम्मियां कहानियां सिक्खी दियां लम्मियां कहानियां सिक्खी दियां लम्मियां कहानियां
कीर्तन कर दे वे हाजरी भर दे वे बेअंत प्रकार दियाँ एक नहीं बेअंत प्रकार दियाँ भुलां गलतियाँ हो गई हो बच्चे हाँ तुहाडे सतगुरु बैठे ने बख्शण योग ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते इन्ने प्यार दे नाल तुसी सारिया संगतां ने कथा कीर्तन का आनंद माणिया दास दे जत्थे पासों कोई भी भुल चुक हो गई होवे बख्श लैणा जी सतगुरु बख्शण कृपा करन रहमत करन तह दिलों धन्यवाद है सारी प्रबंधक कमेटी का दास एक अज बचन कर जा रहा है हर साल जो भी इतने दीवान सजा करेगा नानक सर सिंगड़े तो कोई ना कोई जत्था इतने आया करेगा तो दास जब तक रहेगा दास जरूर आया करेगा ये दास बचन करता है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।